हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा ओप्पो रिनो 11 प्रो 5G फ़ोन है, तो ओप्पो रिनो 11 प्रो 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में स्क्रीन शॉट वगैरह आप कैसे ले सकते हैं, और फ़ोन में स्क्रीन शॉट आप कैसे ले पाएंगे ओप्पो रिनो 11 प्रो 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि स्क्रीन शॉट वगैरह आप कैसे ले सकते हैं और स्क्रीन शॉट आप कैसे ले पाएंगे ओप्पो फ़ोन में, तो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आइकन शो हो रहे हैं तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें से सेटिंग्स पे जाना और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो आप कैसे अपने फ़ोन में स्क्रीन शॉट वगैरह कैसे ले सकते हैं, तो सिंपली आपको एडिशनल सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही एडिशनल सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। ओपन हो जाएगी फिर आपके पास स्क्रीन शॉट सेटिंग्स से शो हो रही है, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं और फ़ोन में स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। सिंपली देख सकते हैं कि जिस तरीके से थ्री फिंगर स्वाइप डाउन स्क्रीन शॉट ले पाएंगे, थ्री फिंगर को इस तरीके से करके स्वाइप कर सकते हैं और स्क्रीन शॉट आ जाएगा। देख सकते हैं कि स्क्रीन शॉट आपके कॉर्नर पे आ चुका है। तो इस तरीके से स्वाइप करके अपने फ़ोन में स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, या फिर आप टच एंड होल्ड करके भी स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। इस तरीके से आप टच एंड होल्ड करते हैं तो आपका स्क्रीन शॉट आपके फ़ोन में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। इस तरीके से आप इसको जितना भी स्क्रीन शॉट आपको चाहिए उसको इस तरीके से आप सेलेक्ट करके कटआउट में यूज़ कर सकते हैं। और आप चाहें तो बटन्स के जरिए स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। आप पावर एंड वॉल्यूम बटन्स को प्रेस करते हैं, डाउन वॉल्यूम बटन प्रेस करना एक साथ, तो आपका स्क्रीन शॉट आ जाएगा। तो इस तरीके से स्क्रीन शॉट को आप अपने फ़ोन में ले पाएंगे, वो भी सेटिंग्स का यूज़ करके अपने फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।